पद्मा, मैंने वो पुस्तक अपनी मदर इन लॉ पे लिखी, वो एक हिस्टोरिक बुक बन गई। आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी ऑनलाइन देख सकते हैं। मेरी निगाह में, मेरी पूरे जीवन में मैंने एक ऐसी शक्तिशाली महिला का जिक्र किया है। मैंने अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास को सबसे अपनी बेटी से ज्यादा सम्मान दिया, अधिकार दिया, प्यार दिया। और अब बहुत ही एप्रोप्रिएट विषय है जिस पे मैं ये चर्चा करना, जो समाज में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए ढूंढ रही है अवसर। लड़की को बेटी बना लिया, जो हर जगह चाहती है कि पद्मा जैसी हर घर में लड़की का जन्म हो। हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने बहुओं को पूरा सम्मान दें, अधिकार दें, और कोई भी उनके मन में मलाल ना उनके प्रति रखे। दूसरी बात जो मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि नॉलेज के साथ विजडम पैदा करनी होगी। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की, हम लिटरेट तो बना देते हैं, लिटरेसी दे देते हैं, कई बार हम एजुकेट शिक्षित भी हो जाते हैं, बट विजडम की कमी है, विवेक का शोषण होना गलत है। हम बहुत सारी बातें के बाद लॉज भी जानते हैं, बट उसको कैसे इस्तेमाल और कहां करना है, इसमें कहीं थोड़ी सी कमी आ गई है। विवेक को जागृत करना कई बार चर्चा होती है, स्कूलों से ताल्लुकात रखती हूँ, एजुकेशन से बात होती है कि कोई करिकुलम का हिस्सा बन जाए मॉरल एजुकेशन। मैं ऐसा महसूस करती हूँ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन, जो जीने का तरीका बच्चे को किसी करिकुलम के माध्यम से नहीं सिखाना है कि 45 मिनट का क्लास लगे और बच्चे को हम बताएं कि सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, और नहीं होगी। हर माता को, हर माँ को, हर पिता को अपने बच्चों का रोल मॉडल, घरों के बच्चे, उन घरों के युवा अपने कमरे की तस्वीरों में दूसरे फिल्म स्टार की तस्वीरें नहीं लगाते, फिर से हमारे संस्कारों से, संस्कृति से जुड़ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि समाज के निर्माण में कोई कमी आएगी, फिर से हम उसी तरह से शक्तिमान हो जाएंगे। कहा कि अगर भारत देश पे विजय पानी है, भारत देश पे फतेह करनी है, इनके संस्कारों को तहस नहस कर दो। क्यों ना हम गौर करें इस सोच पे, वापस आए जहां से शुरुआत करी थी, अपने को में शक्ति है, ये शक्ति अपने अंदर, जनरेशन आगे आने वाली पीढ़ी खुद ब खुद हमारे पीछे लग जाएगी और इसका फायदा हमारे समाज। हिम्मत कहाँ है, क्योंकि हम में विवेक की कहीं कमी है, विजडम की कहीं कमी है, हम सब सहयोग दे सकेंगे। आपका ध्यान लाना चाहूंगी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति होगी, ये हमारे अंदर है ये शक्ति, इस शक्ति को पहचानना होगा, इस शक्ति को बाहर निकालना होगा, खुद जानना होगा, बच्चों को बताना होगा। देखो इंटरनेशनल वुमन डे संसार पद्धर ते मनाया जाता है, जेदी तरीक जेड़ी 8 मार्च मिथी हुंदी है पामे, पर सारा जेड़ा हफ्ता वो वुमन डे दे नां दे उत्ते मनाया जाता है। असी भी क्योंकि तलवंडी साबो विखे 8 मार्च नूं बड़ा वड्डा समागम किया जा रहा है, माता साहिब कौर जी नूं समर्पित करके गुरमत समागम किया जा रहा है, तो सारिया औरतों नूं उत्थे पहुँचने वास्ते एक बेनती की। दूसरी गल हैगी है क्योंकि अज असी सैमीनार रख्या सीगा कि समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर औरत नूं सुचेत होने वास्ते क्यों लोड़ है, तो औरत दी समाज प्रति की देन है, तो इन्हें करना की, ये सारा कुछ दे राजनीति में किवें परिपक्व होना, ये सारिया गल्लां अज असी धन्नवादी हैं कि डॉक्टर पैमराज जी जिहड़े ग्लोबल लैवल दे उत्ते बहुत वड्डे विद्वान ने, जिहड़े UNO विच भी जाके वूमेन दे उत्ते अपने लैक्चर दिंदे आ और सोशल भी लैक्चर दिंदे आ। इस तरह बीबी डॉक्टर गुरविंदर सिद्धू जी उचेचे तौर दे उत्ते आए, जिन्होंने बड़ा तजर्बा जिंदगी का, बड़े पढ़े लिखे और इंटरनेशनल लैवल की एक शख्सियत है। डॉक्टर श्रुति जी जिन्हों का तजर्बा तो औरतों बहुत से बहुत वड्डी देन है, उन्होंने असी स्पैशल बुलाया सी कि वो आके ये संबोधन होण। मेरा ख्याल है कि अज असी जिहड़ा नवी सेध देने वास्ते औरतों को इकट्ठा किया सीगा, उहदे विच असी दाज दहेज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करन लई और हर पिंड पद्धर ते जाके औरतों की जिहड़ी है विलेज मैपिंग करन वास्ते जिहड़ी असी तजवीज़ रखी है कि असी बनावांगे, तो एक ऐसी कमेटी तैयार करांगे 11 मैंबरी 13 मैंबरी, जिहड़ी कमेटी जिहड़ी है वो वुमेन दी पॉलिसीज तैयार करेगी कि अगो असी की करना। कांग्रेस सरकार एक साल मनाने जा रही है, तुसी किवें देखदे हो? मनाएगी की बेचारी, वो तो रोन गई सारे, कांग्रेस वाले तो सारे रो रहे हैं
भी इस साल का समा साडा एवें निकल गया तो इस साल असी साल कुछ किया नहीं की दसणगे लोगों को डिवेलप विकास ठप लोगों सहूलत ठप सारे पासे लॉ एंड ऑर्डर फेल सारे लोगों के हाहाकार इस साल की प्राप्ति इन्हें यह हुई। देखो साड़ी जी श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है और ये चोन भी गठजोड़ ना लड़नी है सरकार भी साड़ी गठजोड़ दी।